पिंटू देसवाल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर का फॉर्मूला देखेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आवेश का फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एन ई। ई जो है इलेक्ट्रॉन जो 1.6 गुना 10 टू द पावर 19 कूलम माइनस में, और दूसरा है ये कोलम का नियम 1/F = 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R² एन जो है बल, ये फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए F = 1/4 pi epsilon 0 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 R² एन। इसी तरह दोनों आवेश के बीच निर्वात या वायु का स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो F m = 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R² यहाँ K जो है कांस्टेंट है जो निर्वात में होगा वहाँ के, यहाँ K का यूज करेंगे। F m जो है माध्यम है, तो दोनों ये और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड करेंगे तो K आएगा। इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻²⁰ N² होता है। इसी तरह ये भी फॉर्मूला आगे यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 pi epsilon 0 Q/R² एन पर कूलम मतलब न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon 0 Q/9 N²⁰ N² पर कूलम इसका वैल्यू होता है। इसी तरह यहाँ पर देख लिया जाए ये आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे 7, 8, 9, 10 इसके बाद यहाँ पे भी है, तो इसे कॉपी पर जरूर नोट करें, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।